घंटे से मैं चाय का वेट कर रही हूँ। एक घंटे से आपकी चाय नहीं बनी। हाँ बहू, मैं चाय बनाने आया था पर ये गैस जली नहीं रही। मुझे लगता है सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर भरवाना पड़ेगा। अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो वो क्या आपका बाप भरवा के लाएगा? सिलेंडर भरवा के तो आप ही लाओगे ना, क्यों नहीं लाया अभी तक फिर? भाऊ मैं सिलेंडर भरवाऊंगा। एक काम करना, तू ऑनलाइन बुक कर दे, तेरे को तो मोबाइल चलाना आता है ना, ऑनलाइन भी घर पे ही आ जाता है। ओ अब मैं ऑनलाइन सिलेंडर बुक करूँ? पता भी है कितने एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? मेरे पास ना फालतू के पैसे नहीं है और ना ही तुम्हारी इतनी पेंशन आ रही है कि मैं सिलेंडर में पैसे फूंकती रहूं। जाओ जाके भरवा के लाओ। इस सिलेंडर बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठेगा और मेरे कहीं लग जाएगी। चोट ही लगेगी ना, मर तो नहीं जाओगे ना? चोट लग जाएगी इनके। जाओ जाके सिलेंडर भरवा के लाओ। हेलो, इतनी ना नाजुकली बनने की जरूरत नहीं है, इसको कंधे पे उठा लो सिलेंडर को, भरा हुआ नहीं है वो। अगर ये टाइल टूट गई ना, फालतू की खर्चा हो जाएगा सर पे। बेटा मुझसे ये नहीं उठाया जाएगा कंधे पर, मेरे चोट लग जाएगी। कहीं चोट वोट नहीं लग रही, 24 घंटे ड्रामे करते रहते हो। उठाओ इसको अपने कंधे पे। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे रुको रुको, कहीं गौरव आसपास तो नहीं? पूछ लेती हूँ। हेलो गौरव, कब तक आओगे? निहारिका मैं वो काम की वजह से थोड़ा बाहर आ गया था ना, तो आज मुझे टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा लेट घर पे आऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय। जाओ यहाँ से। अरे गौरव तू? पापा आप ये सिलेंडर क्यों उठा रहे हैं? देखिए इसे। अब चलो आप बैठो। आपको ये सब काम करने की जरूरत क्या थी? देखो ना गौरव, मैंने पापा जी को कितनी बार समझाया कि आप ऐसे काम मत किया करो, पर ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। बस यही बोलते रहते कि घर के काम खुद करने चाहिए अपने आप। आप इन्हें समझाओ ना कि सिलेंडर की डिलीवरी घर पे हो सकती थी, पर इन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं खुद भरवा के लाऊंगा सिलेंडर। तुम ही समझाओ, मेरी तो मानते नहीं है ये। पापा निहारी का ठीक तो बोल रही है, अगर सिलेंडर की डिलीवरी घर पे हो सकती है तो उस काम को हम क्यों करें? हाँ गौरव, मैंने पापा जी को यही समझाया था कि ऑनलाइन सिलेंडर आ जाएगा, पर पापा जी कहने लगे कि नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है। अब पापा जी को समझाओ जरा कि ऐसा नहीं होता। पापा निहारिका बिल्कुल ठीक कह रही है, जब सिलेंडर की डिलीवरी घर पे हो जाती है तो कौन लेने जाता है बाहर? और अगर आप लेने जाते हो और आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आपने जरा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अब तुम ही समझाओ पापा जी को, मैंने तो इन्हें बहुत समझा लिया, अगर इनको चोट लग जाती तो हमसे लोग क्या कहते कि बुढ़ापे में अपने ससुर का ध्यान नहीं रखा। तुम ही समझाओ अब इन्हें। देखा पापा, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसी वाइफ मिली जो मेरा भी और अपने ससुर का भी इतना ख्याल रखती है। निहारिका मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया। सच्ची में? अरे ये क्या? गौरव ये क्या था? तुमने मुझे मारा क्यों? शुक्र कर कि मैंने तुझे बस थप्पड़ मारा, क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तुझे थप्पड़ नहीं तुझे जान से मारना बनता है। तुम मेरे पापा से घर का सारा काम करवाती हो, उनसे बर्तन धुलवाती हो, उनसे ये सिलेंडर उठवाती हो, जबकि उनकी इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है और तुम उन्हें ढंग का खाना भी नहीं दे सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें तो पता है ना कि मैं पापा जी का कितना ध्यान रखती हूँ पीछे से तुम्हारे, उसके बाद में तुम ये सब बोल रहे हो मुझे, मैंने क्या करा है? ये वीडियो देखो, इसमें साफ साफ दिख रही है तुम्हारी सारी की सारी हरकतें। इसके बारे में क्या कहोगी तुम? क्या एक्सप्लेनेशन दोगी इसके बारे में? अब मजा आएगा जब इस बुड्ढे को मैं
मिर्च वाला खाना खिलाऊंगी ना, पता चल जाएगा। बहुत जीना आराम कर रखा है मेरा इसने वैसे भी। सारी की सारी मिर्चें इसमें डाल दी। काम करती हूँ, मसाला भी डाल देती हूँ। गरम मसाले से जो हाल होगा ना इस बुड्ढे का, पता चलेगा। ये हो गया बुड्ढे का खाना तैयार। अब कभी मुझ पे ना हुक्म नहीं चलाएगा कि मेरे लिए खाना ले आओ। जो तुमने मेरे पापा के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर भी माफ नहीं कर सकता। और तुम निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं गौरव, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ? मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और पापा जी से कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। नहीं, सब कुछ गंदी हरकतें करने के बाद भी तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। देख बेटा, बहू माफी मांग रही है और इसको अब माफ कर देना चाहिए। तेरे को तो पता है इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है हमारे अलावा। हो सकता है शायद इसी वजह से इसको परिवार की अहमियत का पता नहीं है। और बहू, मेरे मन में ना तेरे लिए कोई भी मैल नहीं है। पापा, आपका दिल बड़ा हो सकता है कि इसने आपके साथ इतना सब कुछ किया और आप फिर भी इसे माफ कर रहे हो। आप करो इसे माफ, और आपके कहने पे मैं इसे इस घर से नहीं निकालूंगा। ये रह सकती है इस घर में, लेकिन मेरा भरोसा इसे फिर से जीतना होगा। मैं इसे माफ नहीं कर सकता, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। पापा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज गौरव को समझाइए ना। आपको तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। पापा जी, तू इधर आ मेरे पास, इधर आ। देख, तेरे से जो गलती हुई ना, मैंने तुझे माफ कर दिया है, और ये नालायक भी तेरे को माफ कर देगा। मैं जानता हूँ ये सब शायद इसलिए हुआ कि तेरे को परिवार नहीं मिला है और तेरे को पता नहीं है कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। पापा जी देखिए ना, ये मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अरे बहू, तू चिंता मत कर, ये कौन होता है तेरे को घर से बाहर निकालने वाला? जब मैंने तेरे से कह दिया कि मैंने बहू को माफ कर दिया, तो तू कौन होता भाई? बहू, मैं जानता हूँ कि तूने किया ना ये सब नादानी में किया, और तू अब से नहीं करेगी। अब एक काम तो कर, मेरे लिए चाय बना लाएगी ना? जा चाय बना। अभी बना के लाती हूँ। तू भी बैठ जा।